तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो यार अगर आप Redmi 8 या 8A के यूज़र हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि इन दोनों ही डिवाइसेस के लिए MIUI 12.0.1.0 की अपडेट जो है वो रिलीज कर दी गई है Xiaomi की तरफ से। आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये अपडेट अभी तक नहीं मिली है तो आप इसे मैनुअली अपडेट कर सकते हैं, लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। आप सिंपली डाउनलोड करके इन्हें फ्लैश कर लीजिए, आपको आगे से भी अपडेट्स मिलती रहेंगी और आपका डेटा भी यहाँ पर सेफ रहेगा, आपको कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ऑफिशियल तरीका है, Xiaomi इसे देता है क्योंकि आप अपडेट कर सके मैन्युअली। तो दोस्तों अगर आपको अभी तक अपडेट नहीं मिली है तो अगर आप वेट करना चाहते हैं वेट कर लीजिए, यहाँ पर आपको कम से कम 10 दिन वेट करना पड़ेगा अगर आपको अभी तक नहीं मिली है। तो यार अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब सपोर्ट कीजिए, और हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन, डिस्कशन ग्रुप भी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम सारी इंफॉर्मेशन अपडेट्स के बारे में एंड फीचर्स के बारे में लगातार देते रहते हैं। तो दोस्तों अब आपका सवाल आने वाला है कि आपको इसमें क्या कुछ नया मिलता है। तो यार मेरे पास तो इन दोनों में से कोई भी डिवाइस नहीं है, पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत दे देता हूँ आपको क्या कुछ नया देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको जो है वो लॉक स्क्रीन में एक नई क्लॉक विजेट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है वो लास्ट वाला होगा, तो जब आप इसे टैप कर देंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का विजेट देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से यह काफ़ी अच्छा लगता है, और यहाँ पर आपको नए एनिमेशंस देखने को मिलेंगे iOS जैसे, जो कि ठीक ठाक लगते हैं। और यहाँ पर एक और एनिमेशन आया है, अगर आप किसी भी ऐप को डिलीट या रिमूव करते हैं तो आपको एक अच्छा सा यहाँ पर जो है एनिमेशन देखने को मिलेगा बस्ट का, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर आपको अब लेफ्ट हैंड साइड में आपके नोटिफिकेशन पैनल मिल जाता है, जब आप इसे स्वाइप करते हैं राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पर कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये कंट्रोल सेंटर नहीं मिला है तो आपने सिंपली सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर डिस्प्ले में जाकर नीचे आना है, और यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी जिसे आप ऑन कर दीजिए कंट्रोल सेंटर, तो आपको कंट्रोल सेंटर मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको कुछ बैटरी आइकॉन भी नए देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर अगर आप बात करें और कुछ क्या मिलता है, तो यहां पर अगर हम डिस्प्ले में जाते हैं तो यहां पर थोड़ी सी लेआउट चेंज कर दी गई है, आप देख सकते हैं। और यार यही नहीं, अगर आप यहां पर डार्क मोड में जाते हैं तो अब आपको जो है वो डार्क मोड में जो है वो फुली डार्क मोड देखने को मिल जाता है, यानी कि ग्लोबल डार्क मोड। तो सभी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी अब यहां पर डार्क हो जाती हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है, अगर आपको डार्क मोड पसंद है तो आप डार्क मोड को यूज़ कर सकते हैं। मेरे को इतना पसंद नहीं है, पर अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। उसके बाद यहाँ पर होम स्क्रीन में नीचे आ जाते हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ऐप ड्रो आपको देखने को मिल जाती है, अब ऑफिशियल है। और यहाँ पर नीचे बाकी के सारे जो हैं वो फीचर सेम है, यहाँ पर आपको आइकॉन आप छोटे बड़े कर सकते हैं, ग्लोबल एनिमेशन है, तो बाकी सब कुछ यहाँ पर सेम ही मिलता है। और अगर आप यहाँ पर नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है, पर वॉलपेपर में जाते हैं, सुपर वॉलपेपर नहीं आए हैं, पर आपको नॉर्मल वॉलपेपर जो MIUI 12 के हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, पर डायनामिक और सुपर वॉलपेपर नहीं आते हैं इन किसी भी डिवाइस के लिए। तो बात करें और क्या यहाँ पर मिल जाता है, तो अगर आप नीचे यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर प्राइवेसी की ऑप्शन है, तो आप जो है वो प्राइवेसी का ध्यान रख सकते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशन आपका क्या कुछ ले रही है, यानी कि यार देख रही हैं। और आपको यहाँ पर अल्ट्रा पावर सेविंग मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप यार काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो बैटरी को सेव कर सकते हैं। पता नहीं कितनी बैटरी यहाँ पर सेव होती है इससे, पर यार बैटरी कहते तो है सेव होती है। तो यार मेरे एक हाथ में फोन है, एक हाथ में दूसरा फोन है, कैमरा है, यार बड़ी मुश्किल से ये वीडियो बना रहा हूं, तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा काम पे हूं तो करना पड़ता है कभी कभार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यार अपडेट जो है वो रिलीज़ हो रही है, फीचर भी थोड़े बहुत आपको नए देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, तो आप जल्दी से जाकर यार अपडेट कर लीजिए। तो बात करें और कुछ यहाँ पर आपको क्या मिलता है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ और कुछ यार। फॉन्ट चेंज कर दिए गए हैं, थोड़ी सी लेआउट चेंज कर दी गई है, डिफरेंट एनिमेशन हैं, और यार यहाँ पर बाकी सब कुछ नॉर्मली है जो पहले मिलता था। यहाँ पर लाइट मोड मिल जाता है, जिसका यार कोई इतना फ़ायदा मेरे को नहीं लगा। तो यार यहाँ पर अगर आप गैलरी में जाते हैं तो आपको यहाँ पर जो है वो रिसाइकल बिन तो मिल ही जाता है डिलीटेड आइटम में, तो ये तो मेरे हिसाब से पहले भी था, पर दोस्तों यहाँ पर अपडेट जो है वो रोल आउट हो रही है, आप जल्दी से जाकर अपडेट कर लीजिए। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आज, तो यार आज के लिए बस इतना ही।